कि माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा कौन सा एट मशीन लगा दिया आपने कि 2014 से 19 के बीच में मात्र 8000 मतदाता पढ़ते हैं राजमहल विधानसभा के उधवा में और 19 से 24 के बीच में सीधे 24000 मतदाता बढ़ जाते हैं, जरा बताने का काम तो करे। उन्होंने तो वादा किया था कि 72000 प्रत्येक साल देंगे गरीब परिवारों को, 3-5 साल में 3,60,000 के जगह पर मात्र आपने 2,000 रुपया देने का काम किया। झारखंड की जनता जानती है और इसका परिणाम देगी। बांग्लादेशी घुसपैठियों को संथाल परगना की माटी को पनागार बनाने का खेल हुआ है। इस खेल को आदरणीय अमित शाह जी ने ये परिवर्तन सभा के माध्यम से आगाज किया है और ये आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी। सोजा जी, आपके विधानसभा क्षेत्र से जो है आज बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हुई है, खुद गृह मंत्री ने शुरुआत किया है, क्या किस तरीके से चीज़ें बढ़ेंगी और क्या जनता तैयार है परिवर्तन के लिए? पहले तो आपके माध्यम से अपने देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का मैं हृदय से उनका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि साहेबगंज की धरती पर पहली बार उनका आगमन हुआ और इस माटी के आने से पहले वो हमारे संताल परगना के और झारखंड के आदरणीय सिद्धो कान्हू चांद भैरव फूलो झानो की माटी जन्मस्थली भगनाडी के माटी को नमन किए थे। और ये जो परिवर्तन का आगाज है, ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन का आवाज़ आदरणीय अमित शाह जी ने आज किया है। जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठियों को संथाल परगना की माटी को पनागार बनाने का खेल हुआ है, इस खेल को आदरणीय अमित शाह जी ने ये परिवर्तन सभा के माध्यम से आगाज किया है और ये आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी। माननीय उच्च न्यायालय ने भी निर्देश दिया है, निश्चित रूप से उसका अनुपालन होगा और संथाल परगना की एक एक इंच भूमि बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्त कराने तक ये लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन हेमंत सोरेन तो बोल दे कि आप लोग नफरत की राजनीति करते हैं, चुनाव आया तो बांग्लादेशी। मैं बड़ी विनम्रता से आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा कौन सा एट मशीन लगा दिया आपने कि 2014 से 19 के बीच में मात्र 8000 मतदाता पढ़ते हैं राजमहल विधानसभा के उधवा में और 19 से 24 के बीच में सीधे 24000 मतदाता बढ़ जाते हैं, जरा बताने का काम तो करे। कौन लोग है नैसर्गिक, ये नैसर्गिक वृद्धि नहीं है, ये कौन लोग है जिन्होंने इस प्रकार का प्रत्याशित वृद्धि कराने का काम किया है? मैया योजना, बिजली बिल सब, हेमंत सोरेन क्या लगता तो बताएं। उन्होंने तो वादा किया था कि 72000 प्रत्येक साल देंगे गरीब परिवारों को, 3-5 साल में 3,60,000 के जगह पर मात्र आपने 2,000 रुपया देने का काम किया। झारखंड की जनता जानती है और इसका परिणाम देगी। बांग्लादेशी घुसपैठ को आप लोग कैसे चिन्हित कीजिएगा, कैसे कार्रवाई होगी, क्या यहाँ NRC लागू करके आप लोग यहाँ चिन्हित कीजिएगा? वो तो होना ही है, ये अवैध रूप से जो घुसे हुए लोग हैं वो वैधानिक तरीके से उसका समाधान किया जाएगा।